हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपको अपना चैनल टेक्निकल नॉलेज में। जियो की वजह से भारत के सबसे इंटरनेट की कीमतों में कमी ही नहीं हुई, बल्कि इसका असर भारतीय तकनीकी जगत के पूरे परिवेश पर देखने को मिला है। जियो के आ जाने की वजह से आम उपभोक्ताओं को एक तरफ जहां सस्ते इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है, वहीं इसका खामियाजा एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को भुगतना पड़ा है। इन्हें हर महीने करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एयरटेल बड़े ही आक्रमण मुद्रा में दिख रही है। लगता है ये जियो को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। ताज़ा मामला एयरटेल से जुड़ा हुआ है, जो भारत के हवे के साथ मिलकर 5G ट्रायल को पूरा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। एयरटेल के जरिए जारी की गई घोषणा के मुताबिक इनके चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी हुआवे के साथ मिलकर अपने नेटवर्क एक्सपीरियंस सेंटर गुड़गांव में 5G तकनीकी को विकसित करने सफल ट्रायल पूरा कर लिया है, और इस दौरान इन्हें 3GPS की इंटरनेट स्पीड प्राप्त हुई है। और आमतौर से कहा जाए तो एयरटेल ने जियो को कर देने का फैसला किया है, और जियो से पहले ही भारत में 5G को पूरा कर लिया है, और आप जल्द ही एयरटेल के 5G नेटवर्क का उपयोग कर पाएंगे। माना जा रहा है एयरटेल जियो की तरह अपनी 5G सुविधा को कुछ दिनों के लिए फ्री रख सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।